विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमन मिश्रा, राजकीय महाविद्यालय दिलारा से। विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज आपका स्वागत है। आज तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ रूबरू होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, आपके तृतीय वर्ष में दो प्रश्न पत्र हैं। पहला प्रश्न पत्र जो है वो आधुनिक काव्य नाम से है, और द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वो काव्यांग विवेचन और गद्य की विविध विधाओं का स्वरूप नाम से है। तो विद्यार्थियों, प्रथम प्रश्न पत्र में जो आधुनिक काव्य है उसको केंद्र में रखकर आज अपन बात करेंगे। आधुनिक काव्य में जैसा कि नाम है वैसा ही विदित है कि आधुनिक काव्य में आधुनिक काल के कवियों का विवेचन है। आधुनिक काल के कवियों को अपन पढ़ेंगे। इससे पूर्व विद्यार्थियों, आपने प्रथम वर्ष में भक्ति काल और नीति काल को पढ़ा है। भक्ति काल में भक्ति की काव्य धारा बहती हुई काव्य के अंदर कविता के रूप में निरूपित हुई है, और रीति काल में रीति और श्रृंगारिकता की कविता। इन दोनों ही कालों के कवियों को आपने पढ़ा। भक्ति काल में जैसा कि कबीर, सूर, तुलसी, जयसिंह, और रीति काल में बिहारी गजानंद को पढ़ चुके हैं। तो अति श्रृंगारिकता की जो भावना है रीति काल में जो थी केंद्र में, अति श्रृंगारिकता की भावना केंद्र में रही, वहां समाज केंद्र में नहीं था, लेकिन आधुनिक राष्ट्र केंद्र में नहीं था, लेकिन आधुनिक काल में आते आते समाज और राष्ट्र की भावना बलवती हो गई। राष्ट्रीयता की भावना, देश प्रेम की भावना, मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना का मूल जज्बा जो था वो पैदा हो गया, और कविता में वही राष्ट्रीयता की भावना, वही मानवतावाद की भावना हमारे सामने निकलकर सामने आई। और ये समय की मांग थी विद्यार्थियों, क्योंकि हमें आजादी का जंग लड़ना था, आजादी की लड़ाई लड़नी थी, और आजादी की लड़ाई हम तब तक नहीं लड़ सकते थे जब तक कि समाज जो है वो समस्या ग्रस्त हो या राष्ट्र में समस्याएं हो। तो पहले हमें राष्ट्र को और समाज को समस्याओं से मुक्त करवाना था, उसके बाद में हम आजादी की लड़ाई लड़ सकते थे। इसलिए आर्य समाज और ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई उनमें भी समाज को समस्याओं से मुक्त करने का जज्बा था, राष्ट्रीयता की भावना थी। तो इन कवियों ने भी, जो भारतीय काल का कवि आधुनिक काल का कवि है, वो भी राष्ट्र चेतना की बात करना शुरू कर देता है, और इस काल के सारे कवियों ने सामाजिकता की, मानवतावाद की और राष्ट्रीयता की भावना को केंद्र में रखकर कविताओं की रचना की। तो हमारे जो भारतीय के पश्चात वेद युग आता है उसमें ये भावनाएं उत्तरोत्तर और ज्यादा विकसित हो जाती है, और समाज मूल केंद्र में आ जाता है। समाज चूंकि बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित था, हम सब जानते हैं कि समाज जो है वो एक ऐसा सशक्त, ऐसी सशक्त गाड़ी है जो दो पहियों पर चलती है, पुरुष और महिला। पुरुष अगर समर्थ है और महिला असमर्थ है तो वो गाड़ी कैसे चल सकती है। तो महिला को भी सशक्त बनाना था, उसे भी समर्थ बनाना था, सफल बनाना था, शिक्षित बनाना था। तो महिलाओं को विशेषकर इन रचनाकार ने, कवियों ने महिलाओं को केंद्र में रखा, और महिलाओं की जो भी सामाजिक समस्याएं थी उनको उनसे निजात दिलाने का भरसक प्रयास किया। समस्या चाहे अशिक्षा की हो, चाहे दहेज की हो, चाहे पर्दा प्रथा की हो, चाहे बाल विवाह की हो, चाहे विधवा की अभिशप्त जीवन की हो, चाहे भिक्षावृत्ति की हो, महिलाओं से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं से समाज ग्रसित था, और महिला को सबल बनाना हमारी बहुत बड़ी एक चेतना थी। उस चेतना को जगाने के लिए, चाहे तो मैथिली शरण गुप्त हैं या भारतेंदु हैं या महावीर चतुर्वेदी हैं या दूसरे अन्य कवि हैं, उन्होंने भरसक प्रयास किया। हमारे विद्यार्थियों, आपके आधुनिक काव्य में पहला कवि जो कोर्स में है वो मैथिली शरण गुप्त है, और मैथिली शरण गुप्त ने एक बहुत ही बड़ा नेक काम किया। उन्होंने अपने जितने भी बड़े खंड काव्य और महाकाव्य लिखे उनमें उपेक्षित नारी पात्रों को, जो इतिहास में उपेक्षित रह गए, चाहे रामायण में रह गए या महाभारत में रह गए या दूसरे महाकाव्य में रह गए, उपेक्षित नारी पात्रों को इन्होंने अधिकार दिलाया।
न्याय का अधिकार हुआ है। उन्हें सजग, सचेत और अपनी अस्मिता की पहचान करने वाला पात्र बनाकर सामने लाकर डाला गया, स्वाभिमानी और आत्मविश्वासी बनाकर सामने लाकर डाला गया, क्योंकि आजादी की जंग लड़नी थी ऐसी महिलाओं की आवश्यकता थी जो स्वाभिमानी हो, आत्मविश्वासी हो, आत्मगौरव से अभिभूत हो और सजग हो, सतर्क हो, सचेत हो और सफल हो, शिक्षित हो। तो ये सारी चीजें बहुत आवश्यक थी, समय की मांग थी, इसलिए ऐसे नारी पात्रों की सृजना करना भी आवश्यक था। तो इन्होंने क्या किया कि रामायण और महाभारत से और दूसरे महाकाव्यों से ऐसे पात्रों को उठाया जो समाज में उपेक्षित थे, जैसे केकई। अब केकई को अपन देखते हैं तो केकई हमारे लिए अभिशाप है, समाज में ऐसा ही हमारे मन में और मानस में छा गया है केकई का चरित्र, ये तो अभिशाप जीवन है, इसने तो अपने संसार को नष्ट कर डाला, इसने अपने समाज को नष्ट कर डाला, भ्रष्ट कर दिया, सब कुछ वातावरण था उसको बिल्कुल अभिशप्त कर दिया। तो एक ऐसी नारी का चित्र जो है हमारे दिमाग में केकई नाम से अंकित है, लोग नाम भी रखते रहे गए समाज में, आगे लोग केकई के नाम सुनाए किसी का रखते ही नहीं है, क्योंकि वो तो समाज को खा जाने वाली है, राष्ट्र को खत्म कर देने वाली है, संसार को नष्ट भ्रष्ट कर देने वाली है, ऐसे नारी पात्रों का कौन नाम रखे। तो ऐसा चित्र हमारे मानस में छाया हुआ है केकई को लेकर। मैथिली शरण ने कहा नहीं, उपेक्षित पात्र को सामने लाओ और उसको न्याय दिलाओ। ममता का कोई स्वरूप नहीं होता क्या? वात्सल्य कुछ भी नहीं होता क्या? उसका कोई अर्थ नहीं है क्या? अरे वात्सल्य से अभिभूत होकर उसने वरदान मांग लिए तो क्या कर लिया? अब ममता से अभिभूत होकर उसने अपने बच्चे के लिए लाज गरी मांग ली तो क्या कर लिया? तो उपेक्षित पात्र को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने केकई को ऐसे रूप में सज्जित किया है जो अपने अधिकारों के प्रति सचेत है, सतर्क है और ऐसा संवाद करती है कि आपके मन से धीरे धीरे उसके अभिशप्त चरित्र का जो स्वरूप है वो मन से मिटने लगता है कि नहीं, ममता का भी कोई अर्थ होता है, वात्सल्य भी अपने स्थान पर है। अगर उससे अभिभूत होकर आज की शिक्षित नारी अपने हक के लिए अगर कोई वरदान मांगती है तो उसमें कौन सा अभिशाप है? तो ऐसे पात्रों का सृजन किया। उर्मिला को लिया। अब उर्मिला की क्या गलती थी? लक्ष्मण जी 14 साल के वनवास के लिए अपने भाई के साथ निकल पड़े, राम जी के साथ, सीता जी के साथ 14 साल का वनवास भोगने के लिए वो निकल पड़े। अब नई नई शादीशुदा उर्मिला, उसका क्या इसमें दोष था कि उसको लंबे समय तक 14 साल के वनवास के दौरान एक अभिशप्त जीवन जीना पड़ा, वियोग में तड़पना पड़ा। तो ऐसे उपेक्षित पात्र को सामने लाकर खड़ा किया। अब वो वियोग की जो वेदना अभिव्यक्त करती है उसमें प्रश्न भी करती है कि मेरा क्या दोष था, ऐसा मैं भी तो जा सकती थी पति के साथ में, या और भी कई प्रश्न खड़े करती है जो समाज के प्रश्न है, जो समय के प्रश्न है, जो आधुनिक समाज की नारी के प्रश्न है। तो उपेक्षित पात्र को उस रूप में लाकर खड़ा किया। यशोधरा को खड़ा किया। यशोधरा जो है बुद्ध गौतम बुद्ध निर्वाण के लिए निकले, कल्याण के लिए निकल पड़े आधी रात्रि में। आप देखिए आधी रात्रि में पत्नी को और 7 दिन का अपोध शिशु, अब उनका जो पुत्र है वो केवल 7 दिन का था, ऐसी अवस्था में पत्नी को अर्ध रात्रि में छोड़कर वो घर से निकल पड़े कल्याण की खोज के लिए, निर्वाण की खोज के लिए। अब यशोधरा का क्या दोष था? और यशोधरा ये प्रश्न करती है कि तुम गए तो क्या मैं तुम्हारे लिए बाधा बन जाऊंगी? नहीं, मैं तो वो शतराणी हूँ जो तिलक लगा कर गीता करती है, राजाओं को आगे शतराणी तिलक लगा कर युद्ध के लिए विजय नाथ के लिए घर से हंसते हंसते गीता करती थी। तो वो कहती है मैं तो वो शतराणी हूँ जो तुम्हें तिलक लगा कर गीता करती, मैं तुम्हारे पति की बाधा थोड़ी बन जा रही। तो सखी में मुझसे कहके जाती, कहके तो क्या वो मुझको अपनी पथवादा नहीं पाते, पर सखी वो मुझसे कहके जा रही, उसकी वेदना थी कि कहके तो जाते, मुझे इस योगी भी नहीं समझा कि अपनी बात को एक सहधर्मिणी के नाते, पतिव्रता नारी के नाते उसके सामने रखते थे, बोल कर रखते अपने मन के विचार, क्या हम इसके योगी भी नहीं थी? तो ऐसे उपेक्षित पात्रों को मैथिली शरण रूप में लाकर हमारे सामने रखा और उनको न्याय दिलवाया, उनके स्वाभिमान की रक्षा की, उनके आत्मविश्वास की रक्षा की और उनको ये दिशा दी। तो ये तीनों ही पात्र हमारे रूप में है।
अब केकई का आपको प्रसंग पता है, रामचंद्र जी के भी वनवास का प्रसंग आपको पता है कि किस तरह से जब दशरथ बहुत प्रसन्न हुए तो केकई से कहा कि वो दो वर मांग सकती हूँ मुझसे, और केकई ने अपने दो वर उनसे मांगे कि एक तो राम को वनवास मिल जाए और उनके दूसरा वर उनके पुत्र को राजा जल्दी मिल जाए। ये दोनों वरदान अब चूंकि वरदान पे बन गए थे, वचन आबद्ध हो गए थे, और उस समय तो वचन जाए प्राण जाए पर वचन न जाए ऐसी राजाओं की परिकल्पना, दशरथ जैसे राजा को बहुत सत्यनिष्ठ ईमानदार और सच्चाई पर अड़ी रहने वाले थे, तो उन्होंने जो वचन दे दिया उसको निभाना ही था इसलिए। और राम भी चूंकि पिता के पूरे भक्त थे, पितृभक्त थे, मात के भक्त थे और एक आदर्श महामानव थे राम, उन्होंने कहा नहीं, पिता ने वचन दे दिया है, उस वचन की मुझे रक्षा करनी है, और उस रक्षा के लिए उधर से निकल पड़े और वनवास को सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया। तो उस समय भरत जो थे वो ननिहाल में थे, राम जी जब वनवास गए तो भरत ननिहाल में थे और लक्ष्मण और सीता राम जी के साथ में वनवास को चल पड़े। पीछे से दशरथ पुत्र वियोग में तड़पते रहे और तड़प उन्होंने अपनी जान दे दी। ऐसी स्थिति में जब चित्रकूट में पहुंचे राम जी और लक्ष्मण और सीता जी, तब भरत वापस लौट कर आए, उन्हें पता चला कि रामचंद्र को वनवास हो गए हैं, तो वो विलाप करने लगे, रो रो कर बुरा हाल कर लिया उन्होंने और कहा केकई के साथ सारे दूसरे प्रजाजनों को लेकर अपने साथ के अधिकारियों को लेकर वो रामचंद्र को लेने के लिए वन में निकले चित्रकूट तक गए, और वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया कि बहुत दुर्दन किया भरत ने और केकई ने बहुत दुर्दन किया राम जी के सामने, और रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी वहाँ के वनवासियों के साथ में वहाँ एक सभा में एक छोटी सी सभा बना ली और वहाँ बैठे थे। अब इस समय भरत और केकई आते हैं और राम जी से कहते हैं कि तुम लौट चलो। ऐसी स्थिति में चांदनी रात का वातावरण होता है और चांदनी रात में आकाश में तारे टिमटिमाते होते हैं, और टिमटिमाते तारे कभी कल्पना कहता है कि वो तारे टिमटिमाते तारे नहीं हैं, वो देवताओं के नेत्र हैं जो ऊपर से देख रहे हैं कि राम जी क्या जवाब देंगे, लौट चलो तुम घर को कहेंगे तो वापस क्या जवाब देंगे, क्या वो मान जाएंगे अथवा इनकार कर देंगे। तो बड़ी उत्सुकता से भरे हुए वो देवता लोग ऊपर से देख रहे थे, और ऐसे में रामचंद्र जी ने बिल्कुल अपनी वाणी को मुद्रित किया, बोलने लगे और कहा कि कहो भरत तुम्हारा अभिरिचित क्या है, तुम्हारा मन की इच्छा क्या है, अभिरिचित क्या है मन की इच्छा, तुम्हारे मन की इच्छा क्या है तो बताओ। तो भरत कहता है कि भाई मेरे परम पिता समान भाई, तो मुझे अपना अभिरुचि पूछ रहे हो, मन की इच्छा पूछ रहे हो, अरे मेरे मन की इच्छा क्या पूछ रहे हो, जिस भाई का बड़ा भाई वनवास के लिए निकल पड़े घर से सब कुछ राशि घाट बार छोड़कर वन वन दर दर भटकता रहे और जिसके कारण पिता को मृत्यु का वरण करना पड़े, उसकी कोई इच्छा शेष रह सकती है, इसकी मेरी क्या इच्छा शेष रह सकती है, मेरा कौन सा अभिरुचि शेष रह सकता है, मेरी कोई इच्छा शेष नहीं रह सकती, मेरी सारी इच्छाएं मर गई हैं, जब से भाई ने वनवास को ग्रहण किया है और पिता ने मृत्यु को वरण किया है मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरा अब कौन अभिरुचि और आज मेरे जिसका संसार नष्ट और भ्रष्ट हुआ गया, जिसका सारा संसार नष्ट हो गया है, जिसका सारा घर बार तबाह हो गया है, पिता मर गए, भाई दर दर की वनवास की रोकने का भी बोल रहे हैं, भाई भाभी निकल पड़ी है, दूसरा भाई निकल पड़ा है और सारा घर परिवार नष्ट भ्रष्ट हो गया है, जिसका संसार मेरे को शेष नहीं रहा, उसकी कौन सी इच्छा आप शेष रह सकती है, मेरी सारी इच्छाएं मर गई हैं, मेरी इच्छाएं सारी समाप्त हो गई है, क्या मेरा जन्म इसी अपयश के लिए हुआ था, क्या मैंने केकई की गोद से इसीलिए जन्म लिया था, इस भयंकर अपयश के लिए जो एक दाग लग गया जीवन पर कि भरत के कारण राम को वनवास के लिए निकलना पड़ा, भरत के कारण राम वनवास में गए
तो पीछे से पिता जो है वो पुत्र वियोग में देह त्याग का वर्णन करना पड़ा, उनको भी देह त्याग देनी पड़ी। तो क्या इस अभ्यास के लिए मेरा जन्म हुआ? हाय अयस के हेतु जन्म था मेरा, इसी अभ्यास के लिए जन्म था मेरा, निज जननी के हाथ अनन था मेरा, मेरी माँ के माध्यम से मेरा आनंद हो गया, मेरी माँ ने मेरा नाम लेकर भरत का नाम लेकर राम को वनवास से लाला और माता को पिता को देह त्याग देने के लिए विवश हो जाना पड़ा, तो मेरी माता के द्वारा मेरा हनन लिखा हुआ था, यह सच है। अब उन्होंने कहा जब कैकेयी इस वचन आपस में वार्तालाप कर रहे थे राम और भरत, तब कैकेयी ने बीच में कहा कि इसमें भरत का दोष नहीं है, ये तो मेरा ही दोष है, मेरी मति मानी गई थी कि मैंने दशरथ जी से इस प्रकार से वचन मांग लिए, इसमें मेरा मन है, मेरे मन के कारण ऐसा कुछ हुआ, भरत के कारण नहीं, इसमें भरत का दोष नहीं है। तो राम जी कहते हैं कि मैं जानता हूँ जननी, कौशल्या ने मुझे जना लेकिन तुम्हें बाल हो सके तो तुमने ही पढ़ा दिया मुझे। जब कौशल्या के पास अबोध शिशु राम रात को अर्धरात्रि में रोते थे तब आकर कैकेयी उनको छाती से लगा ले रही थी और लोरी सुनाकर सुला ले रही थी। तो जननी तो कौशल्या है लेकिन बाल हो सके कैकेयी ने भी पढ़ा दिया। राम जी इस बात को जानते थे कि मुझे जब तुम पालने में पहुंचने वाली हो तो तुम्हारा कहीं कोई अभिशाप है ही नहीं, तुम्हारा कहीं कोई अभिशाप जीवन है ही नहीं, और भरत का दोष नहीं है ये भी मैं जानता हूँ। तत्काल उसी समय जिस समय राम जी ने ये बात करी कि भरत का दोष नहीं है और न ही तुम्हारा कोई दोष है, तो कैकेयी ने कहा कि अगर ये सच है तो लौट चलो तुम घर को, अगर ये सच है तो लौट चलो तुम घर को। जब ये बात कैकेयी ने कही तो चौंक के सब सुनकर अटल कैकेयी ने स्वर को, कैकेयी के स्वर को सुनकर सभी लोग चौंक गए, अभी सब सन्नाटे में थे सुन रहे थे, एकदम निश्चित हो गए थे, हलचल कुछ नहीं थी, एकदम स्तब्ध, और एकदम कैकेयी जैसे बोली तो सभी लोग जैसे चौंक पड़े और अपनी अवस्था से हिलकर उन्होंने देखा कि ये स्वर अटल कैकेयी का स्वर आया है, अब राम जी क्या प्रतिक्रिया करेंगे। वैधव्य तुषार आवत यदा विष्ट रेखा बैठी थी अचल तथा असंख्य तरंगा। अब देखिए जैसे तुषार पात होता है ना, तुषार अवस्था, तुषार जब अपन आपने ओस का समय देखा होगा जब बादलों से ओस टपकती है तो उस समय चंद्रमा ही छिप जाते हैं बादलों में, बादल जब छा जाते हैं तो चंद्रमा और सूरज दोनों ही छिप जाते हैं, आपने देखा होगा। अभी जैसे बादलों का वातावरण है वो भी सूर्य हमें दिखता ही नहीं पड़ रहा है, ऐसे ही सूर्य सूर्य जब ओस टपकती है तो सूर्य बिल्कुल उसके अंदर ओर में हो जाता है, वैसे ही कैकेयी पर जब वैधव्य आ गया, पति की मृत्यु हो गई, विधवापन आ गया, तो जो चमकती हुई वो कैकेयी थी एक समय वो बिल्कुल तुषारव्रत हो गई, चमकहीन हो गई, सारा प्रकाश जैसे उसका धूमिल हो गया, जैसे सूर्य छुप जाता है तो उसका प्रकाश दिखाई देना बंद कर देता है, तुषार ऊपर आ जा रहा है तो उसका प्रकाश छुप जा रहा है, वैसे ही वैधव्य के तुषार के कारण कैकेयी श्रीहीन हो गई, आभाहीन हो गई, प्रकाशहीन हो गई। तो ऐसी कैकेयी का स्वर जब सबने सुना तो सबने अचंभित होकर देखा कि अब क्या प्रतिक्रिया होगी, राम जी क्या जवाब देंगे। तो चौंक के सब सुनकर अटल कैकेयी के स्वर को, कैकेयी ऐसी ही वैधव्य तुषार आवृत, विधवापन का तुषार उसके ऊपर छाया हुआ था, और जैसे विधु लेखा चंद्रमा की रेखा के ऊपर, चंद्रमा पर जब कोई ओस की किरणें आ जाए बादल आ जाए तो धीरे धीरे चंद्रमा का प्रकाश जो उसके अंदर छूट जा रहा है, वैसे ही वैधव्य के तुषार के कारण उसका चमकता हुआ चंद्रमा जैसा मुखड़ा जो था वो भी प्रकाशहीन हो गया, चमकहीन हो गया। वह सिंही अब थी हवा गुरु की गंगा, जो सिंह के समान दहाड़ती थी ना, कभी इतना तेज था उसमें, इतना ओज था, इतना जोश था, वो सारा पति की मृत्यु के बाद में धीरे धीरे धूमिल हो गया, और वो की गंगा जैसे गंगा का बिल्कुल शांत निश्चिष्ट हो जाती है, वैसे शांत धीरे धीरे जा रही है, वैसे ही इसमें महिमापन आ गया, शांति आ गई, एकदम वो जोश तेज आभा। अब वो कहने लगे
सब लोग लोग कहने लगे कि अरे छुटो छुटो, पता नहीं नाम क्या प्रतिक्रिया देगी। तो वो कहती नहीं रोको, मुझको अब मत रोको, जो मैं कहती हूँ सुन लो। अब वो अपना बिल्कुल स्वाभिमान और अस्मिता की पहचान वाली नारी के रूप में सामने आकर खड़ी होती है। वो कहती है करके पहाड़ पहाड़ सा पाप मौत दे जाऊं, मैंने इतना बड़ा पाप किया कि राम को तो वनवास दे दिया और राम के वनवास के कारण पति ने मौत का वरण दिया, तो उसके विधवा पर को भी मुझे स्वीकार करना पड़ा। इतना बड़ा पाप करके भी मैं बिल्कुल चुप रह जाऊं, मैं चुप नहीं रहूंगी। अब मुझे बोल लेने दो, जो भी मेरे मन की भेद है वो मुझे बोल लेने दो। अब वो बिल्कुल वो मौन रहने वाली स्त्री नहीं है जो किसी समय में मध्यकाल की नारी के जो मुस्लिम मुगल काल में जो नारी चुप रहने वाली थी, घर के अंदर कैद रहने वाली थी, वो नारी नहीं है, वो आजादी की नारी, ये स्वाधीनता संग्राम के समय की नारी है। इसलिए वो खुलकर बोलती है सभी पुरुषों के सामने और दबंग होकर अपनी बात कहने करने का साहस भी करती है। थी सनसन सशी निशा ओस सरकारी रोती थी नीलो सवार रहे सरकारी। अब देखिए कि जिस तरह से ओस की किरणें टपकती है ना, वो ओस की किरणें नहीं है, कभी भी कल्पना नहीं, वो जो देवता लोग ऊपर से देख रहे हैं ना, उनके देवताओं से आंसू टपक रहे हैं और टप 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 करके ओस की किरणों की गिर रहे हैं। उल्लासी रानी निशा गीत कर रही थी और बीच बीच में जब वो नारी केकई का स्वर गूंजता रहा तो जैसे बिजली चमकती है ना, वैसे उल्का के समान उसकी वाणी भी एकदम अटल विश्वास के साथ में लोगों के सामने आकर खड़ी हो गई थी। सब लोगों में भय था, विस्मय था और खेल भरा हुआ था। भय इस बात का था कि राम जी उस बात को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, या क्या जवाब देंगे, चलने के लिए तैयार हो जाएंगे या वनवास का वो 14 साल तक वनवास को वरण करेंगे। तो इस बात का भय था, भय भी था और विस्मय भी था। विस्मय इसलिए कि पहली बार देखकर कोई इस तरह से बोलती थी उन्होंने देखा तो बड़ा अचंभा हो रहा था, आश्चर्य हो रहा था। और खेल इस बात का रहा कि ये खेल इतनी सारी जितनी भी घटनाएं जो हुई थी, राम जी के वनवास की घटना या दशरथ की मौत की घटना, उसका खेल भी था, केकई को भी था, भरत को भी था और प्रजाजनों को भी था। तो विद्यार्थियों, आपने इस बात को समझने का प्रयास किया, इन कवि कविताओं की पंक्तियों को अपन आगे भी पढ़ेंगे और आज अपन इतना ही करेंगे। धन्यवाद।